अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली के एक दरियाईगंज में कपल ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और कुछ ऐसा ही अभी हुआ है। लेकिन इस बार सिचुएशन अपोजिट है, इस बार दुर्व्यवहार हुआ है जनता के साथ, और करने वाले हैं एक डीएम जो त्रिपुरा के, वैसे कहूँ वेस्ट त्रिपुरा में एक डीएम है जिनका नाम है शैलेश कुमार यादव। डीएम बोले तो यानी एक तरीके से आईएएस अधिकारी हैं, और इन्होंने अपनी पावर का जिस तरीके से यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। उनकी जो वीडियो आई है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, और अच्छे वे में यूज नहीं किया, बहुत एक गलत वे में जो इन्होंने यूज कर दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते कर्फ्यू लगाने के कारण 10 बजे तक ही मैरिज हॉल में मैरिज कर सकते हैं, उसके बाद वहां पर अलाउड नहीं है। और ये डीएम साहब जो हैं वो एक मैरिज हॉल में पहुंचते हैं जहां पर शादी जो है वो चल रही थी। माना कि आपको एक कर्फ्यू के दौरान लोगों को गाइडलाइन को फॉलो करवाना है, उनको बताना है कि भाई अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, आप यहां पर 10 बजे के बाद नहीं आ सकते, नहीं शादी कर सकते, इस चीज को एग्री करते हैं। और लेकिन आपने जिस तरीके का व्यवहार इन लोगों के साथ किया, लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत गलत तरीका है, जब एक लेडी एक डॉक्यूमेंट लेके खड़ी है और वो कह रही है कि हमें परमिशन, और परमिशन देने वाले भी कौन है, ये खुद डीएम साहब, इन्हीं के साइन है इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम आपसे ही तो परमिशन लेके आए थे, लेकिन डीएम साहब का कहना है कि भाई साहब 10 बजे तो मतलब 10 बजे। और केवल ये यही नहीं रुके, इन्होंने लेडीज के साथ जो व्यवहार किया, उनके ऊपर चिल्लाए, एक दूल्हे को गर्दन पकड़ के उन्होंने धक्का दिया, पंडित को थप्पड़ मारा, लात मारी, गाली गलौज किया, ये सब चीजें यार एक आईएएस लेवल के अधिकारी को शोभा नहीं देती हैं। चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? अरे मास्क बोलो, मारो मारो पहले बाहर निकलिए, आउट, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? बाहर निकलिए। अरे सिंह, 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 What is your name? What is your name? जाओ चेहरा लेके आओ, लेके आओ, इसका तो चेहरा दिखना चाहिए घर चला को। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? इसको फॉर ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस ऑन ड्यूटी अरेस्टेड, अरेस्टेड, दिस गाय हैज टू बी अरेस्टेड, यू विल ऑल्सो बी अरेस्टेड लॉन्ग विद हिम, नो, व्हाट इज योर नेम? इसको अरेस्ट करिए, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलिए, मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दिया आपको? दिलों का रिस्क लिए सभी लोगों को, अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए हैं सर, अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, इनको रिस्क के लिए परमिशन इज टिल 10 PM। अरे सेम ऑल्सो, अरे सेम ऑल्सो, अरे अरे दिस लेडी आल्सो 11:30 इज ऑल नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट, अरे अरे दिस गाय, अरे दिस गाय आल्सो, इन सबको अरेस्ट करिए, लेकिन चलिए आप लोग, आप अपना काम नहीं करें, चलिए अच्छी बनी।
लोगों की प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर दो तरीके से आ रही हैं। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि लोगों को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि COVID-19 के चलते लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन जो है वो इसके लिए यहां पर मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं लोगों को गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए, लेकिन एक सही वे में। आप अपनी पावर का किसी जनता के ऊपर रोब की तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। आपको जनता की सेवा के लिए लगाया गया है, ना कि जनता के ऊपर रोब जमाने के लिए। अब इसके चलते जो एक व्यक्ति हैं डीएम साहब से बात करने पहुंचे, जो इस जो मैरिज हॉल में जिसकी शादी हो रही थी, जिस लेडी की शादी हो रही थी, वो इनके भाई थे जो इनसे बात करने पहुंचे, और इनसे बड़े ही इन्होंने प्यार से विनम्रता से बात की कि हमें पता है कि गाइडलाइंस क्या हैं 10 बजे तक। लेकिन डीएम साहब तो मुझे लगता है कि कुछ अलग ही लेवल के थे। उनका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने आँव देखा ना ताँव देखा, बस इस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लिया। Hello. You are not violating. The timing. What time is the night curfew? Night curfew is 10. But then, if the auspicious time is 11, then what can? Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. कौन है? लाइए. Hey, Saroj. My sister's man. किधर हो? That's why you are violating. You should be arrested first of all. No, 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 no. This guy, he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir. We are not obstructing. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, we are not. I am filing a complaint. No, no, no. Arrest him. Arrest him. Arrest this guy. Arrest this guy. Take him to lockup right now. Take him. Take him to lockup right now. Take him to lockup right now. Please, please. भैया हो या मत बोलिए, जाइए बता दिए आप होंगे भाई, जाइए कोई भी अगर सवाल पूछे तो डीएम साहब के अकॉर्डिंग वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो बाधाएं हैं। मतलब अपना काम करने में आप प्रशासन के जब काम कर रहे हैं आप उसमें बाधा डाल रहे हो और आपको इसके लिए गिरफ्तार किया जाएगा। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस दिन। जो एक लाइन जो इन्होंने इन व्यक्ति को बोली, इस व्यक्ति को बोली जो उन्होंने कहा कि डू नॉट टॉक टू लाइक ब्लडी विलेजर्स, आप ऐसे ब्लडी विलेजर्स की तरीके से मुझसे बात मत करें, आप पढ़े लिखे मुझे लगते हैं। मतलब विलेजर जो हैं वो ब्लडी हैं। मतलब ब्लडी के अगर आप ठीक ढंग से व्याख्या करो तो जो गांवों में रहने वाले लोग हैं उनको अक्ल नहीं है, उनको बात करने का सेंस नहीं है, उनको रहने का सेंस नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा जब इन्होंने ऐसे बात की, भाई आप गांवों के रहने वाले के लोगों के तरीके से बात ना करें। समझ नहीं आता एक IAS लेवल का अधिकारी, भारत की कितनी जनसंख्या जो है वो गांवों में रहती है, और एक IAS लेवल का अधिकारी वो ये बात कर रहे हैं कि आप विलेजर्स के तरीके से बात मत करें। वाह क्या बात है। आप करवाइए, आपको गाइडलाइन को अगर फॉलो करवाना है बेशक आप गाइडलाइंस को फॉलो करवाइए, लेकिन रोब के तरीके से नहीं। वैसे भी लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिस तरीके से व्यवहार किया गया है, गाली निकाली गई है, थप्पड़ मारा गया है, गर्दन पकड़ कर निकाला गया है, गिरफ्तार किया गया है, इतनी सब चीज़ें की गई हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, देखो गिरफ्तार किया जा सकता है एज ए प्रोटोकॉल के तहत, वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन गर्दन पकड़ कर धक्का देना, गाली निकालना, ये सब प्रोटोकॉल में नहीं आते। और एक IAS अधिकारी को, यानी मैं तो कहता हूँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। उन्हें जनता से विनम्रता से ही बात करनी चाहिए, उन्हें गाइडलाइन फॉलो करवानी चाहिए, उनसे कह कह कर, उनसे बात कर कर, उनको समझा कर, लेकिन ऐसे गाली निकाल कर नहीं। अगर आप लोगों का अगर प्रतिक्रिया देखें तो लोगों की बात तो यही भी है कि आप लोग जो है वो शादी रुकवा सकते हैं और रैलियां नहीं रुकवा सकते। आप समझ रहे हो उस चीज को। लेकिन डीएम साहब ने जब इनको एहसास हुआ कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया, इसलिए उन्होंने माफी मांग भी ली है और इनके खिलाफ अब इंक्वायरी भी बैठने वाली है। वो सब जांच करने वाले हैं कि जो इन्होंने किया वो कितना सही और कितना गलत था। और मुझे लगता है कि जब चीजें गलत हुई हैं तो बेशक उनके लिए सजा का प्रावधान है। वो भले ही COVID-19 की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो सजा का प्रावधान है, और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनके लिए भी वो सब चीजें। देखो आप एक अधिकारी होकर आप क्रोप नहीं जमा सकते। यहाँ पर सभी कानून के समक्ष एक समान है, भले आप अधिकारी हो ना हो, एक आम जनता हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कानून के समक्ष एक समान है। आपने जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरीके से ट्रीट किया है लोगों को, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पूरे जैसे ये वीडियो वायरल हुई है लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बहुत लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से व्यवहार किया गया है, शादी रुकवाई गई है, मतलब गालियाँ तक दी गई हैं, तो यार ये ट्रीटमेंट जो हुई है, संविधान तो खुद कहता है भैया सब एक समान है, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, रैलियां रुकवा लो। लेकिन एट द सेम टाइम डीएम साहब ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि उन्होंने पुलिस को भी ये कहा, उनको ललकारते हुए कहा कि तुम सब इनके साथ मिले हो क्योंकि सारे के सारे अमीर लोग हैं, तुम्हारे भी हाथ उन रुपयों में है। मतलब ये साहब उन्होंने सब चीजें कही हैं।
And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala police station because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, have to come here. It is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. They will count. कितने लोग इधर काउंट करके बोलो ओसी वेस्ट को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ तुम लोग जो काम कर रहे हो ना अभी काउंट करके बोलो कितने हैं चलो वरना तुम भी जाओगे उसके साथ नहीं हूँ मैं सर वो आ रहा है तुम जो भी हो काउंट करके बोलो आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओके व्हाट इज योर नेम तुम भी जाओगे उसके साथ तुम लोग सारे ब्लडी यू ऑल आर हैंडिंग ग्लव्स विद दिस पीपल काउंट एंड टेल मी ये होती है पावर की भैया ऑन द स्पॉट इनको सस्पेंड करना और इन सब चीज के लिए इनकी तारीफ भी हो रही है। मैंने कहा ना दो तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग जो विरोध कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज कमेंट करना। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।